स्वागत है आपका दी कंटाप में। मदीबा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच। एक फिल्म आई थी 2008 में, नाम था द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। उस फिल्म में हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो साहब को एक अजीब सी बीमारी होती है। उस बीमारी की वजह से उनकी उम्र घटती जाती है, मतलब वो पैदा हुए थे तो बुजुर्ग थे, धीरे धीरे वो जवानी के पड़ाव को पार करते हुए एक बच्चे के रूप में आकर खत्म हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस फिल्म का जिक्र आखिर क्यों कर रही हूँ। ऐसे ही क्यूरियस केसेस बिहार की राजनीति में भी आ गए हैं। यहाँ हमारे इन विधायकों और नेताओं की उम्र वक्त के साथ घटती जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि हमारे इन विधायकों को उस फिल्म वाले हीरो वाली कोई बीमारी नहीं है। तो आइए आपको दिखा दें ये पूरी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक अलग ही तरह का घोटाला देखने को मिल रहा है। यूं तो बिहार में कई घोटाले होते हैं, लेकिन इस बार का घोटाला नेताओं की उम्र से जुड़ा है। दरअसल इस बार मैदान में उतरे कुछ प्रत्याशियों ने जानबूझकर ये गलती से अपने शपथ पत्र में अपनी उम्र कम लिखवाई है। कुछ नेता पिछले 5 साल से एक ही उम्र पर फिक्स हो गए हैं, तो कोई 5 साल में 3 साल छोटे हो गए हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं सरोज यादव की। ये सरोज यादव आरा के बड़हरा से पिछले 5 साल से राजद के विधायक हैं। इस बार भी राजद ने फिर से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। अब जरा इनका उम्र वाला हिसाब किताब का खेल समझिए। 2015 में इन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैंने 33 वर्ष की आयु पूरी कर ली, लेकिन इस बार इन्होंने एफिडेविट दाखिल किया है उसमें भी इसी तरह लिखा है कि मैंने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली। यानी सरोज यादव ऐसे हैं जिनकी उम्र थम गई है, न घटती है न बढ़ती है। 5 साल में इन्हें कायदे से 38 साल का हो जाना चाहिए था, लेकिन ये और छोटे हो गए, 30 साल के हो गए। मतलब दुनिया के हर शख्स की साल दर साल उम्र बढ़ती है, लेकिन सरोज यादव 5 साल में 3 साल छोटे हो गए। दूसरे नंबर पे है सत्यदेव सिंह। जेडीयू ने इन्हें क्रूरथा सीट से अपना कैंडिडेट बनाया है। विधानसभा में जो इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है उसके हिसाब से इनकी जन्म तिथि 20 जून 1950 है, यानी माननीय आप 70 साल से ऊपर के हो गए। वहीं दूसरी तरफ एक बार चुनाव में एफिडेविट दाखिल किया है, अब इन्होंने अपनी उम्र 61 साल बताई है। और बात करते हैं तीसरे नंबर वाले की। तीसरे नंबर पर है निक्की हैम्ब्रम। ये बीजेपी के टिकट पर कटोरिया सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। निक्की हैम्ब्रम के साथ वक्त ने गजब का खेल खेला है। 2015 में इन्होंने अपनी एफिडेविट में बताया था कि इनकी उम्र 42 साल है। 2015 को बीते हुए 5 साल होने वाले हैं, लेकिन इन 5 सालों में निक्की की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी। वहीं 42 की थी तब भी और अब भी, यानी कि 5 साल के बाद उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक भी वो 42 की ही है। अब एक और नेता जो मंत्री भी हैं, जो कि दिनारा सीट से 3 बार के विधायक हैं, इनका नाम है जय कुमार। इस बार भी जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं ऐसे नेता जिनकी उम्र 5 साल में 10 साल बढ़ गई है। अब देखिए 2015 में जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें इन्होंने अपनी उम्र 46 साल बताई थी, और इस बार जो एफिडेविट लगाया है उसमें अपनी उम्र 56 साल बताई है। मतलब 5 साल में इनकी उम्र 10 साल बढ़ गई। तो देखा आपने कैसे बिहार में अब उम्र का घोटाला हो रहा है। नेताजी कुछ तो शर्म कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाप। आगे इसी तरह की खबरें देखने के लिए जुड़े रहें दी कंटाप के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी अपडेट्स हम लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।